लेडीज एंड जेंटलमैन थर्टी सिक्स मॉड्यूल ऑफ़ द लेसन टू हेयर वी आर विद द प्रिंस एल्बर्ट ब्रिजेस द डिजिटल डिवाइड विद द लोकल यूथ अ न्यू केस लास्टली हमने डिस्कस करते रहे कैशलेस सोसाइटी हो गई कैश का मामला था हमने देख लिए हमने रेस्क को डिस्कस किया एंटरप्रीनियोरशिप के मेजर डिजाइन को देखते हुए हम आज अब यहाँ तक पहुंच गए इनोवेशन अपने मैक्सिमम अप्रोच की तरफ जा रही हमने जब लास्टली डिस्कस किया तो मैंने चाइना के एग्जाम्पल दिया आज हमारे पास एल्बर्ट ब्रिजेस का एक डिजिटल डिवाइड का प्रोग्राम आया कि उन्होंने लोकल यूथ के कि अंदर किस तरीके से इसको इसमुलेट किया और इसकी स्टिमुलस किया और फिर स्टमुलेट किया और फिर ये स्मेट्रिसिजम कैसे डेवलप किया आप यहाँ देखिए कि एक चैलेंज आया कि डिजिटल डिवाइड आ गए जो यूथ थी वो पावर्टी में थी इकनमिक रिस्क में थी प्रॉब्लम्स में थी और बहुत सारे जो है डिस्ट्रक्शन में थी आज की यूथ जैसे है पाकिस्तान सत्तर परसेंट यूथ पर है नहीं पता कि आपको किस डायरेक्शन पे जाना है आपको इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है आपके एम बी एस बढ़ते जा रहे हैं बी बी एस बढ़ते जा रहे हैं आपके एम कॉम बढ़ते जा रहे हैं और आपको सिर्फ ये पता चलता है कि ये करके हमें यह मिल जाएगा कोई ये नहीं सोच रहा कि फिजिक्स किसने बनना है क्योंकि जिसने फिजिक्स की थी उसने तो सिर्फ पढ़ाना है फिर केमिस्ट्री की थी तो केमिस्ट्री के बाद सिर्फ पढ़ाना है बेसिकली तो उसका था कि वो लेथ इंजीनियरिंग करता और लेथ इंजीनियरिंग करके उसके बाद जो है वो केमिकल डिजाइन के ऊपर इंडस्ट्री के अंदर काम करते और इंडस्ट्री के अंदर काम करके हमें वो प्रोडक्टिविटी लेकर आते जो कि हमें डिजाइन थे अभी प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ने के फौरी बाद जो है मैक्सिमम लेक्चररशिप की तरफ चले जाते ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको चाइना ने सबसे पहले किया था कि वो लेक्चरर भी नहीं हो सकता वो पढ़ा भी नहीं सकता जिसने एक बिजनेस को एक अप्रोप्रियट आइडिया को या किसी भी आइडिया को एग्जीक्यूशनल वे के अंदर साबित ना किया यानी रिबोटिक इंजीनियरिंग के अंदर रिबोटिक्स के अंदर किसी आदमी ने बड़ी फॉर्म डेवलप नहीं कर दी और उसके रिजल्ट नहीं ले लिए कैन नॉट टीच दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पे प्रिंस एल्बर्ट ब्रिज द डिजिटल डिवाइड विद लोकल यूथ के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट थे सोल्यूशन की तरफ आते हैं क्लोजिंग द मॉनिटरी गैप बाय कनेक्टिंग बाय द टेलीफोन वन जैसे मैंने आपको चाइना का केस समझाया दूसरे कनेक्टिंग बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स किधर है हमें मैक्सिमम करना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हों यानी आपकी ऑनलाइन आपके वर्क फ्रॉम होम आपके बिजनेस प्लेटफॉर्म आपके बाकी चीजें आपकी मॉनिटरिंग आपकी ट्रांजेक्शन प्लस आपने देखा होगा कि लॉजिस्टिक्स के अंदर आपका माल जा रहा है आपका माल दरमान में चोरी हो जाया करता था पेंट्स जा रहे हैं पेंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल दस हजार डब्बे हैं दस हजार डब्बों में से पांच सौ डब्बा अक्सर चोरी होता है ट्रैक एंड ट्रेस डिजाइन बन गया फिर उसके अंदर चिप इंस्टॉल हुई कि किसने कहा किया ड्राइवर को लॉजिस्टिक्स के अंदर जाना है और वो जा रहा है और उसने अठारह घंटों में पहुंचना है उसका टोटल डिजाइन लॉजिस्टिक टाइम लिया जाएगा कि एक जगह से दूसरी जगह गया कितनी जगह रेस्ट किया और अगर चोरी होती है तो कितनी जगह रेस्ट हुआ यानी अगर दो घंटे का लैग आ रहा है तो इसका मतलब है कंफर्म उसके अंदर नंबर्स में फर्क आएगा तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया कि डिजिटाइजेशन कहा बहुत इंपॉर्टेंट है And trace के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन uh, के बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिजिटल बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन प्रोग्रामिंग अवेलेबल इन स्कूल इंप्रूव एक्सेस टू है, दूसरा वो प्रोमिनेंट आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जो कि सब लोगों को लेके चलता है पॉलिटिक्स का मतलब या गवर्नेंस का मतलब है आपका लेंस क्लियर करना आपका डिजाइन क्लियर करना आपको बताना कि आपको केमिस्टोन है फिजिस्ट होना है आपको किस डायरेक्शन पे जाना है हमें इंडस्ट्री की कितनी जरूरत है हमारी इंडस्ट्री कितनी लग रही है हमारी एग्रीकल्चर कितना है हमारा डिजिटल कितना है हमारा आईटी का सेगमेंट कितना है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का सेगमेंट कितना है हम स्पोर्ट्स में कितने हम लेदर में कितने कि हमें सोचना होगा और इसके मुताबिक अपने आप को एजुकेट करना होगा बिफोर आई कंक्लूड सेशन वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका कोई भी जैसे हमने ये एग्जाम्पल ले ली कि डिजिटल डिवाइड को कैसे खत्म किया गया और उस मेन यूथ को इस सिस्टम में लेकर आया गया ये एक आइडिया आपने पढ़ लिया लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें डायरेक्शन लेस डायरेक्शन की तरफ नहीं जाना हमें अपनी डायरेक्शनल ओरियंटेशन को मजबूत करना पड़ेगा हमें अपना लेंस और देखने की कुत को बढ़ाना पड़ेगा हमें पर्पस uh, ओरिएंटेड हो, होना पड़ेगा और एक मंत्रा के साथ हम आप इस सेशन को खत्म करेंगे परपस पैशन परफॉर्मेंस पर्पस पैशन परफॉर्मेंस और अगर आंटरप्रन्य को ये तीन मंत्रा समझ में आ जाए कि परपस पैशन परफॉर्मेंस इक्वल्स टू आंटरप्रन्योर थैंक यू वेरी मच